हेलो, आज का हम लोग का विषय है कि हर एक खूनी दस्त कुत्ते में हर एक खूनी दस्त पार्वो नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है, लोग जैसे ही खूनी दस्त होता है तो लोग उसे पार्वो समझ लेते हैं। पार्वो समझ के उसका इलाज नहीं करवाते हैं, कई एक डॉक्टर भी मिस कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो पार्वो वाला केस है, कौन लेगा ऐसा ऐसी समस्या, और वो डॉग जो है निगलेक्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि हर एक खूनी दस्त डॉग में वो पार्वो नहीं होता। अगर खूनी दस्त हो रहा है, खूनी पैखाना हो रहा है आपके डॉग में, तो उसके कई एक अन्य कारण हैं और वो सभी ट्रीटेबल है, मतलब वो ठीक हो सकता है। तो आप जो है अपने डॉग का इलाज करवाएं, और हो सकता है कि पार्वो ना हो और वो कुछ और बीमारियाँ हों। आज मैं बताता हूँ कि आपको कि कौन ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो जिसमें डॉग को खूनी दस्त हो सकता है। इसमें प्रमुख एक जान के आप लोग आश्चर्य होंगे कि एक प्रमुख है कि अगर आप डॉग के खाना में परिवर्तन करते हैं, पहला कारण है कि खाना में अगर परिवर्तन करते हैं तो भी खूनी दस्त हो सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर आपने खाना पर परिवर्तन किया है और खूनी दस्त हो रहा है, तो तुरंत में पूरा पुनः जो है पुराना जो खाना दे रहे थे उसमें दीजिए और वो आपका डॉग ठीक हो जाएगा यूं ही बिना किसी दवा के। दूसरी प्रमुख वजह जो है वो है अमीबाइसिस, जो आव आना कहते हैं। कभी कभी डॉग में अमीबाइसिस हो जाता है, अमीबाइसिस से तो और मनुष्यों को भी मतलब खूनी दस्त होता है, तो ठीक उसी तरह पशुओं में भी डॉग में भी खूनी दस्त हो सकता है अमीबाइसिस के कारण। उसकी एक सिंपल सी दवा है नॉरफ्लोक्सटिंडाजोल। नॉरफ्लोक्सटिंडाजोल अगर देंगे या सिप्रोफ्लोक्सासिटिंडाजोल, ये आता है, ये दोनों में से कोई एक ड्रग देंगे तो वो जो है आपका खूनी दस्त हो डॉग का ठीक हो जाएगा तुरंत। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है पार्वो वायरस से होता है, या पार्वो जो होता है तो वो यंग डॉग्स में होता है, मतलब 1 साल से नीचे और अनवैक्सीनेटेड केस में ही होता है। वैक्सीन अगर आपने ठीक से करवाया हुआ है पार्वो वायरस का तो फिर वो नहीं होगा। और अगर समझें कि आपका डॉग अगर ओल्ड एज है, उम्र 1 साल से ज़्यादा है, तो वो एमीबाइसिस होने का चांस ज़्यादा है। अब आते हैं तीसरी वजह पे। तीसरी वजह यह है कि आपके डॉग को हो सकता है कि वर्म्स की शिकायत हो सकता है आपने बहुत काफ़ी दिनों से कीड़े की दवा अपने डॉग को नहीं पिलाई होगी। अगर ऐसी बात है तो उसमें क्या होगा कि आपके डॉग में खूनी दस्त हो सकता है। जैसे एक जोक होता है जिसको कहते हैं हुक वर्म। हुक वर्म एक फीता टाइप का दवा होता है और वो जो है हुक वर्म, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो उसमें भी खूनी दस्त होगा और खून जो है गाढ़ा टाइप का आएगा। पार्वो वायरस में जनरली जो है पतला टाइप का आता है, इसमें गाढ़ा टाइप का आएगा। और इसके अलावा जो डॉग जो है काफ़ी दिनों से पतला दुबला पतला हो रहा होगा, या फिर जो है बहुत सुस्त रहा होगा, तो ये सभी चीज़ें उसमें होंगी, तो हुक वर्म्स हो सकता है। ठीक उसी तरह से राउंड वर्म से भी होता है। राउंड वर्म से अगर हो तो ये भी सेम ही सिम्टम है, सिर्फ अंतर यह है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। उसे है तो उसमें ये उल्टियाँ भी हो सकती है। अगर उल्टियाँ होती है तो समझिए कि जो है वो उल्टियों के साथ अगर ये खूनी दस्त हो रहा है तो समझेंगे कि राउंड वर्म्स की वजह से भी हो सकता है। इसके और भी वजह हैं राउंड वर्म में, जैसे कि वो दुबला पतला रहेगा और खाना कम खाएगा या नहीं खाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इस वजह से भी होता है। इसके इलाज के लिए आप सिंपल सा कोई डीवॉर्म कर दें, या फिर आइवरमेक्टिन जो मिलता है बाजार में, अगर आपके डॉक्टर से संपर्क करके उनको बोलिए कि ये आइवरमेक्टिन का एक इंजेक्शन दे देंगे और ये जो है ये बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो आप जो करेंगे वो है कि डॉग का स्टूल टेस्ट जरूर से करवाएं। इवन अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्टर जैसे बोल देते हैं पार्वो वायरस हो गया है, तो डॉक्टर साहब से बोलिए कि पार्वो वायरस का टेस्ट करवा दीजिए। पार्वो वायरस का टेस्ट आता है, टेस्ट किट आता है, सिंपल बहुत छोटा सा रहता है, उसमें थोड़ा सिर्फ स्टूल का थोड़ा सा पोर्शन डालने से ही अगर वो उसमें पार्वो है तो तुरंत में वो पॉजिटिव दिखेगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो इसलिए स्टूल एग्जामिनेशन एकदम मस्ट है। हो सकता है कि पार्वो ना हो कि कीड़ा मकोड़ा हो, कि कीड़ा हो गया हो, कुछ तरह का कुछ वो हो, इस तरह से अमीबाइसिस हो, तो ये तो ठीक होने वाला चीज़ है, फिर तो वो पार्वो नहीं है। तो इसलिए स्टूल एग्जामिनेशन जरूर से करवाएंगे। और फिर और भी इसके बजाय हैं, जैसे आपको अगर समझिए कि एक सिंपल और एक वजह है जो अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरे यहाँ केस आया था इसी तरह का पार्वो का, मैंने सो कॉल्ड पार्वो। जब मैंने उसे जांचा तो देखा कि एक टूथपिक उसके रेक्टम में फंसा हुआ है। फिर पता चला
वो जो कुछ दिन के बाद, खैर मैंने तो वो टूथपिक ग्लव्स में हाथ लगा, ग्लव्स में पहन के वो टूथपिक को निकाल दिया रेक्टम से। तो फिर पता चला कि वो जो है इधर यूं ही कहीं कचरा उचरा में बैठ जाता है, तो वो जो टूथपिक उसके एनस में किसी तरह से चुभ गया था, और चुभ के फिर वो जो है इंटेस्टाइन में ऐसे बिद गया था। तो जिससे बिदने के कारण क्या हुआ था कि वहां से खून निकल रहा था और धार में निकल रहा था, और वो लोग समझ रहे थे कि उसको पार्वो है। लेकिन ये बहुत ही आसान से ठीक हो गया, टूथपिक निकाला, पार्वो ठीक हो गया। तो इस तरह से घटनाएं होती है जब अगर इंजुरी हो जाए रेक्टम में, तो जो है वो फिर जो है उसके कारण भी खूनी दस्त होता है। तो इस तरह की बातें आपको देखनी पड़ेगी कि किस वजह से हो रहा है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सरल है। इन सभी के अलावा एक और वजह है खूनी दस्त होने का। कभी कभी समझें कि आप समझें कि खूनी दस्त है, लेकिन आपने अगर समझिए एक्सीडेंटली कोई ह्यूमन फूड खिला दिया, ह्यूमन फूड समझिए चाउमिन है या कुछ है, कुछ खा लिया, या कहीं सॉस वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो आपको लगा कि उसके बाद वो जो है एक फाउल स्मेलिंग मतलब गंध के साथ, दुर्गंध के साथ वो डायरिया करेगा, और उसमें खून रहेगा। खून तो नहीं रहेगा, वो एक्चुअली रहेगा सॉस, सॉस वगैरह का जो है स्ट्रेस रहता है, तो वो उसी को कहते हैं जैसे खूनी दस्त हो गया। तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो आपको ये तफ्तीश करनी पड़ेगी, ये जांच पड़ताल करवानी पड़ेगी कि किस वजह से खूनी दस्त हो रहा है डॉग को। अब आते हैं कि लास्ट में आपको बता देते हैं पारो वायरस के क्या लक्षण हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो डिफ्रेंशिएट करना है आपके आपको या डॉक्टर साहब को कि क्या क्या ये पारवो है कि कोई और है। पारवो वायरस में प्रमुख लक्षण जो हैं वो है उसका जो है टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मतलब वो और कम हो जाएगा पारवो वायरस में, और डायरिया होगा, मतलब ये खूनी दस्त होगा। खूनी दस्त के साथ साथ वो जो है वोमिटिंग भी करेगा, वोमिटिंग करेगा, और उसके साथ साथ आपको एक खट्टा खट्टा एक स्मेल आएगा। ये एक टिपिकल स्मेल होता है पारवो वायरस में, तो वो आएगा। इसके अलावा जो है खाना पीना बिल्कुल भी बंद कर देगा, और सबसे बड़ी जो बड़े जो लक्षण है वो है कि आप जैसे ही खाना देंगे उसके आधे बल्कि 15-20 मिनट के अंदर में ही वो उल्टी कर देगा, और उल्टियाँ करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। इवन पानी पिलाएंगे तो भी उल्टी करेगा, उसके बाद आप खाना खिलाएंगे तो करेगा ही, मैंने हर तरह से वो उल्टियाँ करते रहेगा पारवो वायरस में। और जब भी पैखाना करेगा, जब भी वो लैट्रिन ये स्टूल होगा उसका, वो खून एकदम पतला टाइप का खून आएगा, पतला टाइप का आता है। और इसके अलावा वो डॉग जो है वो सुस्त हो जाएगा, और सुस्त हो के उसके बाद जो है वो उसके रोएं जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो जो है तो रफ टाइप का दिखता है, जैसे नॉर्मल में रोया सोया रहता है डॉग का, वैसा नहीं दिख के रोएं जो है खड़ा हो जाता है। खड़ा होने से क्या होता है, उसका जो है स्किन कोट वो दूसरा रफ रफ टाइप का दिखेगा, वो कालीन कैसे होते हैं जैसे रफ हो जाता है वैसे रफ दिखेगा, मैंने गंदा वंदा टाइप का लगेगा, और एकदम सोया रहेगा, हो सकता है माथा ऊपर करे ना करे इस तरह का रहेगा। और वो जो गन है वो टिपिकल है, तो वो खट्टी खट्टा खट्टा एक गन आएगा। तो इस तरह का अगर केस आता है तो समझिए सही में पर वो है उसका। लेकिन जो भी है आपको डॉग का जो है स्टूल एग्जामिनेशन एकदम मस्ट है, स्टूल एग्जामिनेशन होगा तभी उसे पारवो डिक्लेयर कर सकते हैं। और पारवो में भी अगर आप कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे वो पारवो भी ठीक हो सकता है, जैसे हीमोसील हो गया या उस तरह की और भी बहुत सारी एमिनो एसिड्स हैं, वो सब फ्लूइड थेरेपी में दिया जाता है, तो फिर वो डॉग ठीक हो जाता है। 50% ऑफ द केस में ये जो है पारवो वायरस ट्रीटेबल है। हाँ, 50% की भी अनफॉर्चुनेट मृत्यु हो जाती है, तो खैर उसकी कोई बात उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है तो तय मानिए, और आपके डॉग को अगर वैक्सीनेटेड है प्लस उसे खूनी डायरिया हो रहा है, तो तय मानिए कि आपके डॉग को पारो वायरस नहीं हुआ है। उसका ट्रीटमेंट एकदम संभव है, और उसका ट्रीटमेंट कराएं और वो डॉग एकदम स्वस्थ हो जाएगा, ये मेरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। मैंने काफ़ी सारे ऐसे सो कॉल्ड जो है खूनी दस्त वाले डॉग्स को ठीक किया है। हाँ, अगर आपका डॉग 3 महीने से नीचे का है और खूनी दस्त होता है तो पारवो वायरस होने की संभावना 90% है, क्योंकि तब तक तो उसका वैक्सीनेशन हुआ नहीं रहता है, और ये बहुत खतरनाक है, तो वो बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत रेयर है। और 3 महीने से ऊपर का कोई भी केस है अगर समझेंगे ये खूनी दस्त हो रहा है, तो उसे उसका इलाज संभव है, उसे ट्रीटमेंट करवाएं, आपका डॉग एकदम ठीक हो जाएगा और बहुत कम खर्चे में ही ठीक होगा।
मतलब खर्चे की बात नहीं, परेशानियां होती हैं, पानी चढ़ाना पड़ता है, फ्लूइड थेरेपी करनी पड़ती है, लेकिन वो जरूर से करवाएं। और उसे ऐसा नहीं कि पार्वो हो गया तो उसको छोड़ दिया है, उसके बाद आप क्या होगा, आप तो मरने ही वाला है, इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखें। आपका ये खूनी दस्त ट्रीटेबल है, 90% ऑफ द केस में पार्वो वायरस नहीं होता है, ये 10% केस में ही पार्वो होता है, और इसीलिए इस ऐसे पार्वो वायरस वाले डॉग का ट्रीटमेंट जरूर से करवाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगले बार में फिर हम मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर से मुझे लाइक करेंगे और अपने सुझाव भी देंगे। क्या आपके डॉग के साथ कभी ऐसा पारो ये खूनी दस्त हुआ है? अगर हुआ है तो आपने क्या किया है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।